थोड़ा पीछे हट जाओ, थोड़ा पीछे हट जाओ माता जी, थोड़ा दो मिनट, दो मिनट सुनो, एक मिनट सुनने दीजिए भाई। अच्छा विस्थापित पुनर्वास समिति किया गया था, पुनर्वास किया गया था। उस समय जो लोग आ रहे थे इस पाकिस्तान से, उनको दो तरीके से पुनर्वासित किया जा रहा था, एक जमीन देकर खेती के लिए और दूसरा मिलों में या फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट देकर। ताकि ये करीब 400 परिवार मदन सूत मिल में बसाए गए थे एम्प्लॉयमेंट देकर। और उस समय सरकार ने, भारत सरकार ने लगभग 90 लाख रुपया मदन सूत मिल को दिया था कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए और इन एडिशनल वर्कफोर्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। मदन सूत मिल 4-5 साल के बाद बंद हो गई। उसके बंद होने के बाद लगभग 350 परिवारों को बदायूं में फिर से जमीन देकर और पुनर्वासित किया गया हुआ। लेकिन ये 63 परिवार ऐसे थे, 65 तक जब शुरुआत हुई इनकी जमीन की खोज के, वो आज तक रिहैबिलिटेट पुनर्वासित नहीं किए जा सके। इसी बीच क्या हुआ कि आप जानते हैं जो जिस एक्ट में पुनर्वास किया जाता था वो एक्ट ही रिपील हो गया, वो एक्ट समाप्त हो गया। जो उत्तर प्रदेश में पुनर्वास का विभाग था वो विभाग भी समाप्त हो गया और वो राजस्व विभाग के साथ मर्ज कर दिया गया। तो ये लगभग 30-35 साल की इनकी लंबी जद्दोजहद और लड़ाई चल रही थी और ये पुनर्वासित नहीं हो पा रहे थे। तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पे कैबिनेट में इन चीज़ों को लाकर और इन 63 परिवारों को 2-2 एकड़ जमीन खेती के लिए और 200 स्क्वायर मीटर का जमीन मकान बनाने के लिए दिया। इसके साथ इनका मकान बन सके इसके लिए 1,20,000 रुपया मुख्यमंत्री आवास योजना से भी इनको दिया जाएगा। खेत पहले तो हमें नहीं पता था, वही खेत देखने के लिए हम लोग आए हुए थे, लेकिन वो समतल है, थोड़ी सी ऊसर है। तो खेत को अच्छा बनाने के लिए अगर मेड़बंदी की जरूरत है, सिंचाई की सुविधा पैदा करनी है या और भी किसी तरह से ऊसर सुधार वगैरह का कार्यक्रम करना है तो वो नरेगा के अंतर्गत उसकी योजना स्वीकृत की जाएगी और वो सहायता उनको दी जाएगी।